बच्चों, कई बार ऐसा होता है हम कोई चीज़ को खरीद तो लेते हैं, पैसे खर्च करते हैं, लेकिन हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। मान के चलिए आपने किसी भी कंपनी की वॉशिंग मशीन खरीदी, उसे पैसों से खरीदा क्योंकि हमारे कपड़े साफ धुले, लेकिन आपके कपड़े साफ नहीं धुल रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम उसको सफाई तरीके से नहीं कर रहे। तो आज चलते हैं इसकी डीप क्लीनिंग करने, कैसे करते हैं वॉशिंग मशीन को खुद घर में साफ। बच्चों, घर में कुछ सफाइयाँ ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें दिवाली का इंतजार नहीं करना होता है। कुछ ऐसी सफाइयाँ होती हैं जिन्हें डेली रूटीन में हमें साफ करना चाहिए। जैसे मान के चलिए, मैंने आपको थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि बाथरूम की सफाई हम कैसे करें, उसी तरीके से वॉशिंग मशीन, जिस वॉशिंग मशीन से हमारे सारे घर के पूरी फैमिली के कपड़े धुलते हैं। और ख़ास तौर से ये मैं उस वॉशिंग मशीन के लिए बता रही हूँ जो फुल्ली ऑटोमेटिक है, आपके सारे काम आसान कर देती है। मैंने कम से कम ये वीडियो बनाने के लिए 2 से 2.5 महीने से इस मशीन को साफ ही नहीं किया है, बिल्कुल भी साफ नहीं किया है। जिस सफाई को हमें एवरी वीक करनी चाहिए, मैंने नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? मुझे ऐसा लग रहा था कि कई घरों में इसकी सफाई नहीं होती है। तो क्या हो जाता है, इस मशीन में क्या प्रॉब्लम आती है, ये देख लीजिए। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो रबड़ लगी हुई होती है उसके अंदर आप जब फिंगर डालेंगे तो देखिए क्या गंदगी हो जाती है, इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। अगर इतनी गंदगी होती रही तो आखिर होगा क्या, ये रबड़ ख़राब हो जाएगा, इसका डोर ख़राब हो जाएगा, सारी चीज़ें वन बाय वन ख़राब होती जाएंगी। सबसे पहले साफ पानी ले लीजिए, एक स्क्रबर ले लीजिए सॉफ्ट वाला, जिसमें से ये सारी गंदगी निकाल लीजिए जो रबड़ के अंदर साइड है। बाहर से तो रबड़ थोड़ा ख़राब हो जाता है, लेकिन उससे हमारे कपड़े ख़राब नहीं होते, अंदर जो गंदगी है ना वो हमारे कपड़ों को भी ख़राब कर देगी। धीरे धीरे सॉफ्ट तरीके से इस पूरे रबड़ को साफ कर लीजिए। यहीं से ही पानी आता है और वो लौट के अंदर चला जाता है, और अगर यहाँ पर गंदगी रहेगी तो हमारे कपड़े साफ बिल्कुल भी नहीं धुलेंगे। पहले मैंने सिर्फ पानी से इसकी गंदगी को साफ किया है। अब चलते हैं, हम थोड़ा सा हार्पिक ले लेते हैं। आपको लगेगा हार्पिक इसके लिए? जी हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब गंदगी हो जाती है तो कोई जब केमिकल होगा तभी उसको साफ कर पाएगा। जैसे टाइल्स को, वॉशरूम को, टॉयलेट को, हमें इसी से ही साफ करते हैं ना, इसी तरीके से इसको भी आप इसी तरीके से धीरे धीरे साफ करते जाइए। अगर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते तो वॉशिंग मशीन के लिए आप मीठा सोडा ले सकते हैं या फिर सिरका ले सकते हैं, पर वो ज़्यादा क्वांटिटी में लगेगा। ये आपका हार्पिक बहुत कम क्वांटिटी में लगेगा और आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने हार्पिक से जो गंदी मैल थी उसे साफ कर दिया है। अब मशीन का जो बाहर वाला पार्ट है वहाँ पर हार्पिक बिल्कुल ना लगाएं, वहाँ पर नॉर्मल आप डिटर्जेंट ले लें या डिश वॉश ले लें जिससे आप बर्तन साफ़ करते हैं, और वहाँ पर आप धीरे धीरे इसे रब कीजिए। ये हार्पिक भी जो हमने लगाया है, आप पानी डाल डाल के उसको सारा निकालना होगा। कहाँ से पानी निकलेगा इसका गंदा, वो भी मैं बताऊंगी। अंदर जो रबड़ था उसके अंदर की काफ़ी हद तक गंदगी सारी साफ हो गई है। अब हम ले रहे हैं एक कटोरी में विनेगर और मीठा सोडा और डिटर्जेंट, ये हम एक सॉल्यूशन बना लेते हैं जिससे हमारी वॉशिंग मशीन बाहर से भी साफ़ हो जाएगी आउटसाइड से, क्योंकि फ्रंट साइड ही मेरा ख़राब है, बाकी साइड तो मैं कवर करके रखती हूँ, तो तीनों साइड बहुत बढ़िया रखे हैं, लेकिन सामने वाला पार्ट जो है वहाँ पर थोड़ी धूल मिट्टी लगती है जिसकी वजह से उसे हमें साफ़ करना चाहिए। और ये जो हमारा डोर साइड है, डोर के अंदर वाला जो पार्ट है काफ़ी गंदा सा लग रहा है, उसे भी आप इसी से चमकाइए, बिल्कुल चमक सा जाएगा। ये प्लास्टिक जो बिल्कुल धुंधला सा हो गया था, दिख ही नहीं रहा था कुछ भी, वो सब साफ़ हो जाएगा। कहने को हमें 10 साल की वारंटी ज़रूर मिलती है, लेकिन कई पार्ट्स जब हमारे ख़राब हो जाते हैं ना तो बदलते टाइम हमें काफ़ी पैसे लगते हैं। ये पार्ट है उसकी सफाई का, ये देखिए जो हमने पानी डाला ना वो सारा पानी इससे निकल आया। इसमें कई बार बाल छोटे छोटे, कोई रोएं, बहुत सारे इसमें चिपक जाते हैं, गंदगी मैल चिपक जाती है। कई बार तो आप खोलते होंगे ना तो इसमें स्मेल भी आती है, तो एवरी वीक हमें इसे खोल कर इसे हमें साफ़ करना चाहिए। लेफ्ट साइड आप थोड़ा ट्विस्ट कीजिए और उसकी सफाई कर दीजिए, कोई पुराना सा ब्रश ले लीजिए जिससे अंदर से भी सफाई कर लीजिए। ये देखिए कितना गंदा पानी निकल रहा है, ये पाइप को भी खोलकर और उसका भी पानी निकाल लीजिए। वापस मशीन में पानी डालकर यहाँ से पानी निकालते जाइए, जिससे काफ़ी हद तक यहाँ की सफाई हो जाएगी। वॉशिंग मशीन जो सेमी वाली होती है,
वो उतनी गंदी नहीं होती है जितनी फुल्ली ऑटोमेटिक जो मशीन होती है ख़राब हो जाती है अगर हम इसकी अच्छे से केयर नहीं करेंगे। ये देखिए मैंने नीचे की सफाई कर दी, उसे मैंने बंद कर दिया। ये जो रबड़ है उसके अंदर वाला पार्ट बहुत ही गंदा हो गया था, उसे भी मैंने साफ़ कर दिया। वॉशिंग मशीन जो बाहर से थोड़ी गंदी हो रही थी उसे भी मैंने क्लीन कर दिया है। हर तरफ से मैंने सारी सफाई कर दी है। अब क्या सफाई बची है, हमें क्या और करना है वो भी मैं दिखा देती हूँ। जहाँ पर हम सर्फ वगैरह डालते हैं और या नील डालते हैं, जो भी हम करते हैं, तो उसके लिए भी वहाँ पर भी आपको सफाई रखनी चाहिए। एक और बात, मेरा जो सजेशन है, मैं ये नहीं कह रही कि आप क्या यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, हमेशा इसमें सर्फ ना डालकर ड्राई पाउडर कोई भी ना डालें, आप लिक्विड डालें। कोई भी कंपनी का, चाहे आप मशीन वाली कंपनी लें या कोई भी बाहर से लें जो आपको अच्छा लगता है, आप लिक्विड डालेंगे ना, लिक्विड डिटर्जेंट डालेंगे, उससे आपकी मशीन की लाइफ थोड़ी ज़्यादा चलेगी। अब सारी सफाई हो चुकी है, मैंने हर तरफ से उसको साफ कर दिया है। लास्ट में मैंने एक सूखे कपड़े से भी उसे सफाई की है। इसका जो कवर है उसे भी मैंने वॉश करके बाहर सूखने के लिए रख दिया है। अब सब तो सफाई हो गई, अब मैं आपको यहाँ ये बताती हूँ कि इसके अंदर का जो टब है उसका अंदर वाला साइड कैसे साफ होगा, उसे देखते हैं कैसे साफ करना चाहिए हमें। ये आता है हमारे पास, जिस कंपनी का आपने लिया होगा मशीन उसी कंपनी का आता है ऑल रिमूव लिम स्केल, मतलब जो रोएं होते हैं ना कपड़ों के, वो जो अंदर गंदगी कर देते हैं, मतलब साफ तो निकलते हैं लेकिन जो अंदर जाके गंदगी हो जाती है उनको कैसे साफ करें। तो ये जो पैकेट आता है ये हमें 3 महीने में एक बार इसको डालकर और फुल टाइम मशीन को खाली चला लीजिए, जिससे क्या होगा, मशीन का जो अंदर वाला टब है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। जब अंदर का टब साफ हो गया, बाहर से आपने वॉशिंग मशीन को साफ कर दिया, तो बस फिर क्या रह जाता है, एक तरीके से आपने वॉशिंग मशीन की सर्विस कर डाली अंदर से लेके बाहर तक की। पूरा आप बढ़िया से अपनी वॉशिंग मशीन को महीने में एक बार डीप क्लीनिंग कीजिए इसी तरीके से, और हफ्ते में एक बार हल्के हाथ से, या आगे जो मैंने आपको दिखाया था कि उसका पानी कैसे निकालें और उसका डोर कैसे साफ करें, छोटी छोटी सफाई आप एवरी वीक कीजिए। इस तरीके से आपकी वॉशिंग मशीन बहुत ही परफेक्ट चलेगी। जो कंपनी की आपको पसंद है, जो कंपनी का आपको डिटर्जेंट पसंद है, जो भी लिक्विड आपको पसंद है, उसी को यूज़ कीजिए और इसी तरीके से मशीन को साफ़ सुथरा रखिए, तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा, आपकी मशीन का लाइफ जो है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखा ना बच्चों किस तरीके से हमारी वॉशिंग मशीन चमक गई। हमें महीने में कम से कम इतनी क्लीनिंग तो करनी चाहिए और थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग हमें वीकली करनी चाहिए। तो बच्चों पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना कीजिए।